सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली फिजिक्स का 11th का एक्सपेरिमेंट है जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, ट्रैवलिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ट्रैवलिंग ऑफ माइक्रोस्कोप हम करने वाले एक्सपेरिमेंट नंबर 6, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हम इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को कैसे यूज़ करेंगे और जो भी इसके रिजल्ट है और इसका इंस्ट्रूमेंट का यूजेस कैसा है वो सारे एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले। एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप अगर मेरे से सीख रहे हैं तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। फ्रेंड्स आप एक काम फटाफट करिए कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए बहुत सारे वीडियोस डालने के लिए। मैंने यहाँ पे आपके लिए 11th 12th के लिए केमिस्ट्री के भी वीडियोस अपलोड किए, आप जाइए और इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और आपको सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। सो चलो मैं एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स ये आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, चार तरीके के स्क्रू लगे होते हैं, देखिए एक ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, चौथा। ये चार तरीके के यहाँ पे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इसको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसको हम ना यहाँ वहाँ मूव करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप ये वाला स्क्रू देख रहे हैं यहाँ पे, इस स्क्रू अगर आप स्क्रू को लूज करेंगे ना तो आप इसको इसके इससे कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं इस वाले स्क्रू से। अगर आप इसने इसको टाइट कर दिया तो ये मूव नहीं होगा। तो ये वाला स्क्रू यूज होता है इसको ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। चलो अब मैं एक दूसरे स्क्रू के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये वाला स्क्रू किस लिए यूज होता है, अगर आप ये स्क्रू को ढीला कर देंगे तो आप इसको ना ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये जो पॉइंट जहां पे भी एडजस्ट करना है आप यहां वहां ले जा सकते हैं, तो इसलिए ये स्क्रू का यूज कर। अगर आपने इसको टाइट कर दिया तो देख रहे ये मूव हो रहा है क्या, नहीं मूव हो रहा है, लेकिन आप अगर इस स्क्रू को हल्का कर देंगे तो आप इसे इसे मूव कर सकते हैं। इसीलिए इसको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये स्क्रू को आप जाम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक यहाँ पे एक स्क्रू लगा है, एक यहाँ पे एक स्क्रू लगा है। आप अगर इसको नीचे के साइड करोगे, नीचे के साइड ध्यान देना, ऐसा नीचे के साइड अगर आप करोगे तो आप इसको ना मूव करा सकते हो, जैसे कि आपका पॉइंट कहाँ है आईपीएस के हिसाब से आप देख सकते हो। तो आप अगर आपने इसको ऐसा कर दिया, अगर आपने इसको ऐसा कर दिया इधर के साइड, तो ये देखिए ना ये लॉक हो गया, क्या हो गया ये लॉक। लेकिन अगर आपने इसको उधर के साइड कर दिया तो ये खुल जाएगा, अब ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसके हिसाब से आप आईपीएस को ना ऊपर नीचे कर सकते हो। ऊपर नीचे मतलब एक फाइन इमेज ना इससे क्रिएट होता है। और याद रखना अगर आपने इसको एक बार इसको एडजस्ट कर दिया इस लाइन पे तो दोबारा आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। एक ऊपर वाला होता है, इससे आप बहुत ही धीरे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको घुमा के क्या कर सकता हूँ, बहुत ही धीरे ऊपर नीचे। यहाँ पे आईपीएस देख रहे होंगे, इसको आईपीएस बोलते हैं। और बेसिकली ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जहाँ से हम रीडिंग, यहाँ पे दो तरीके की रीडिंग रहती है। एक नीचे आप देख रहे हैं, ये आप नीचे एक देख रहे हैं, इसको मेन स्केल बोलते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर एक रीडिंग लगी हुई ना, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। सेम ऐसे ही स्केल वर्टिकली एक लगा रहता है, वहाँ पे भी हमें एक स्केल देखने के लिए मिलता है। तो इस वाले को बोलते हैं मेन स्केल और इस वाले को बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। इस वाले को क्या बोलते हैं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगा है जिससे हम सारे रीडिंग को क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे एक लॉक लगा होता है जिससे हम इस सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। और एक यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, इस आईपीस को ना ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब इसको ऊपर ले जा सकते हैं, उसको नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप पहले रीडिंग निकाल रहे हैं तो इसको हमेशा ना एक जगह फिक्स कर दीजिए। मतलब कैसे फिक्स करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, तो ठीक है। चलो मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ। आपको पहले क्या कर देना है, यहाँ पे एक क्रॉस मार्क लगाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्क लगाया, बिल्कुल इस आईपीएस के जस्ट नीचे इस क्रॉस मार्क को आपको ऐड करना है, ठीक है। इस क्रॉस मार्क को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। अब उसको क्या करना रहता है फ्रेंड्स, आपको क्या करना रहता है कि इसकी हेल्प से ना एक फाइन इमेज क्रिएट करनी रहती है। फाइन इमेज मतलब कैसा है कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे जो मैंने क्रॉस मार्क यहाँ पे मारा हुआ है ना, क्रॉस मार्क मारा हुआ है, सो आप जब आईपीएस में देखेंगे 10x के जूम के हिसाब से, तो आपको ना वो क्रॉस मार्क ना बिल्कुल एक क्रॉस मार्क पे ना इंसर्ट होता हुआ मिलेगा। मतलब आप जैसे आईपीएस में देखेंगे तो आपको ना क्रॉस मार्क वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। आपको ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्या करना है, वैसे ही एडजस्ट करना है। अगर आपका वैसा नहीं हो रहा है तो आप इस नॉब के हिसाब से ऊपर नीचे करके ना उसको फाइन इमेज क्रिएट करवा सकते हैं, फाइन इमेज बना सकते हैं इस क्रॉस मार्क का अपने आईपीएस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर वाले को वर्नियर स्केल बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं। सो वर्नियर जो वर्नियर स्केल होता है ना, उसमें 1 से लेके 50 तक होते हैं। कितने डिवीज़न होते हैं, 1 से लेके, देख रहे हो ये वर्नियर स्केल में ना एक जो छोटी वाली रीडिंग होती है वो 1 की होती है। तो ये 1 2 3 4, तो ऐसे 1 तक आप जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40, और ये क्या हो जाएगा,
जाएगा 50। अब आते हैं मेन स्केल के ऊपर, तो मेन स्केल में फ्रेंड्स आप देखेंगे ना कि जीरो के बाद ना एक छोटी सी लाइन होती है, फिर छोटी वाली लाइन से ना एक बड़ी वाली लाइन होती है, क्लियर। तो जो छोटी वाली लाइन होती है ना वो 0.05 सेंटीमीटर की होती है, और उसके बाद जो बड़ी वाली लाइन होती है ना वो 0.1 सेंटीमीटर की होती है। आपको जीरो से लेके अगर वन तक जाना है, आपको अगर जीरो से लेके वन तक जाना है तो इसके बीच में लगभग कितने पॉइंट होते पता है, छोटे छोटे 20 पॉइंट होते। कितने पॉइंट होते हैं? 20 पॉइंट। मतलब आपको आपको अगर जीरो से लेके वन तक जाना है तो आपको 20 पॉइंट। कैसे कैसे? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये आपका बड़ा वाला जो होता है वो वर्नियर मेन स्केल होता है और ये छोटा वाला मेन स्केल होता है। यहाँ पे जीरो होता है, जीरो के बाद ना एक छोटी सी लाइन होती है, फिर एक बड़ी सी लाइन, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे वन लिखा होता है। ये जो छोटी वाली लाइन होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.05 की, और ये जो बड़ी वाली लाइन होती है वो कितनी होती है 0.1 की। तो जीरो से लेके वन तक में ना ऐसे छोटे छोटे ना 20 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं ऐसे? 20 डिवीजन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने जो बताया यहाँ पे ना, ये सेम इसके लिए भी फॉलो होता है। मतलब ये तुम्हारा मेन स्केल है और ये तुम्हारा क्या है? वर्नियर स्केल है। ये तुम्हारा मेन स्केल है और ये तुम्हारा क्या है? वर्नियर स्केल। इसमें देखना क्या रहता है, मेन स्केल आपको कैसे देखना रहता है कि जीरो जो आपको जीरो दिख रहा है ना, जीरो इस मेन स्केल में जिस भी नंबर के साथ में कोइंसाइड हो जाएगा ना, वही तुम्हारी मेन स्केल की रीडिंग रहेगी, वही तुम्हारी क्या रहेगी? मेन स्केल की रीडिंग। उसके बाद अब उसके बाद जीरो के बाद देखेंगे कि वर्नियर स्केल में ऐसी कौन सी रीडिंग है जो मेन स्केल के साथ में कोइंसाइड हो रही है, तो वो तुम्हारे वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो उसके लिए आपको कैसे करना रहता है, आपको पहले ना इस आई पीस में, इस आई पीस पे आना रहता है आपको, और इस आई पीस पे आपको देखना रहता है कि ये जो क्रॉस मार्क है, ये जो क्रॉस मार्क है आपको आई पीस में ना विजिबल होना चाहिए, तभी आपको इस रीडिंग यहाँ से क्या करनी रहेगी? नोट डाउन करनी रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, आपको अगर ये क्रॉस मार्क नहीं दिखता है तो आप इसकी हेल्प से, ये वाले इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं। बाद में यहाँ पर एक नॉब लगा हुआ है, इस नॉब की हेल्प से इस क्रॉस मार्क का एक फाइन इमेज क्रिएट करा सकते हैं, इस क्रॉस मार्क का क्या कर सकते हैं? फाइन इमेज क्रिएट करा सकते हैं। और इस आई पीस की हेल्प से ना आप इजीली क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला ये क्या क्या करता है पता है? मान लो अगर आपको इसको, ये वाले सब्सटेंस को बहुत ही धीरे ऊपर नीचे मूव कराना है, तो आप इसको घुमा के क्या करा सकते हैं? बहुत ही धीरे ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। लेकिन मान लो इसको बहुत ही तेज ऊपर नीचे मूव कराना है आपको, मतलब ऊपर लेके जाना नहीं मिल रहा है आपको इमेज, फिर नीचे लेकर आना है, तो यहाँ पे पीछे एक नॉब होता है, यहाँ पे पीछे एक ये वाला आप नॉब देख रहे होंगे, इस नॉब की हेल्प से ना हम इस वाले सब्सटेंस को बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं? लेके जा सकते हैं। तो चलो मैं एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। ये वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीज़न कितने होते हैं? 50। और मेन स्केल पे तुम्हारा जो एक छोटा वाला कितना होता है? 0.05 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो चलो हम इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं कि लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है कि डिफरेंस बिटवीन डिवीज़न तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ आप लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ ऑफ दी वन मेन स्केल डिवीज़न, तो मेन स्केल पे आपने देखा होगा कि जीरो से लेके वन, फिर टू, फिर ऐसे, लेकिन जीरो से लेके वन तक जाने के बीच में ना एक छोटी सी लाइन है, एक बड़ी सी लाइन है, एक छोटी सी लाइन, एक बड़ी सी लाइन, तो ऐसे टोटल 20 डिवीज़न है। तो आपको जो छोटी वाली लाइन होती है ना, तो उसका आपको पूछा कि वन मेन स्केल का कितना होता है, तो इसका होता है 0.05 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे कितना लिखना है? 0.05 सेंटीमीटर। अब टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन दी वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल पे मैंने आपको दिखाया जो ऊपर वाला था वो वर्नियर स्केल था, जिसपे 1, 2, 3 तो 5 तक था, तो कितना होता है? 50। तो 50 आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे, आपको मिल जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका लीस्ट काउंट। अब आपको इसे लीस्ट काउंट का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि MSR मतलब क्या होता है कि मेन स्केल डिवीज़न, VSR का मतलब क्या होता है? वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो चलो मैं इसका रीडिंग कैलकुलेट करना दिखा देता हूँ आपको। करना क्या रहेगा? एक क्रॉस मार्क करना रहेगा और उसी को देखना रहेगा, जब वो विजिबल होगा तो आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करनी रहेगी, ठीक है। मेन्स ये होता है वर्नियर स्केल और ये होता है मेन स्केल, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स मुझे क्या देखना है कि मुझे आईपीस की हेल्प से देखना है कि ये क्रॉस मार्क जो है ना ये विजिबल हो जाए, और जैसे ही क्रॉस मार्क विजिबल होगा मैं ये रीडिंग नोट करूँगा। सो चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे। सो फ्रेंड्स मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने की अगर कोशिश करता हूँ, अगर दिखता है तो ठीक है। ये क्रॉस मार्क ना बिल्कुल इसके अंदर भी एक क्रॉस मार्क रहता है, ये क्रॉस मार्क इस क्रॉस मार्क को ना बिल्कुल कोइंसिडेंट करता है, और वहीं आपको रीडिंग लेनी रहती है। लेकिन अपने में नहीं हो रहा। हाँ, ये दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, ये अंदर का क्रॉस मार्क आपको दिख रहा होगा, तो आपको बिल्कुल यही क्रॉस मार्क देखना रहता है। आपको देख रहे हैं? आपको यही क्रॉस मार्क यहाँ पे देखना रहेगा। बिल्कुल मैं थोड़ा सा ही दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए,
ये क्रॉस मार्क आपको देखना रहता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी क्रॉस मार्क आपको आएगा, मैंने देखा मुझे क्रॉस मार्क दिख गया, तो मुझे पहले देखो, पहले आपको यहाँ पे दिख रही होगी, आपको दिख रही होगी MSR, आपको MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग निकालनी। तो पहला मेन स्केल रीडिंग आप कैसे निकालोगे, सो देखने क्या करना रहता है आपको, ये जो वर्नियर स्केल है ना, आप इसका जीरो देखिए, इसका जीरो कहाँ कोइंसिडेंट कर रहा है, इसका जीरो कोइंसिडेंट कर रहा है, तो वो कोइंसिडेंट कर रहा है, आप इसकी हेल्प से देख सकते हैं, इसका जो जीरो कोइंसिडेंट कर रहा है यहाँ पे, ये कर रहा है, ये देखिए, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 4.3 डिवीज़न, मतलब 3.5 पे क्या होती है, कनेक्ट होती है, तो इसका जो रीडिंग आ जाएगा 4.35, क्योंकि ये जीरो ना 3 के थोड़ा सा ऊपर टच है, ठीक है। जैसे कि ये जो जीरो है, ये जीरो कहाँ पे टच है, ये 4 के 1, 2, 3 और एक छोटी वाली लाइन के यहाँ पे टच है, तो इसका हो जाएगा 4.3, तो लाइन हो गई और एक छोटी वाली लाइन को टच है ये वाला जीरो, तो 4.35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4.35। अब फ्रेंड देखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वर्नियर स्केल आपको बहुत ही ध्यान से देखना रहता है। कैसे ध्यान से देखना रहता है आपको, ये देखना रहता है कि ये वर्नियर की कौन सी रीडिंग है जो इस मेन स्केल को कोइंसिडेंट करे। तो चलो मैं फटाफट फाइंड आउट करता हूँ कि कौन सी रीडिंग इसको कोइंसिडेंट कर रही है, मेन स्केल है, और ये ऊपर वाला हमारा क्या है, वर्नियर स्केल, तो 1, 2, 3, 5 तक है, और इस पर बहुत सारी रीडिंग है। तो आपको क्या देखना रहेगा वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए, मान लो ये जो 2 वाली रीडिंग है ना, 2 वाली रीडिंग वर्नियर स्केल पे, अगर ये 1, अगर ये मेन स्केल को ना, मेन स्केल पे मान लो यहाँ पे कोई रीडिंग है, तो अगर ये वाली इस मेन स्केल को ना बिल्कुल कोइंसिडेंट करेंगे ना, तो वही आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग रहेगी। किसकी रीडिंग रहेगी, वर्नियर स्केल की, मतलब मेन स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग रहेगी ना, वर्नियर स्केल की रीडिंग वो मेन स्केल को ना कोइंसिडेंट करेगी। तो चलो देखते हैं, यहाँ की जो 5 वाली रीडिंग है ना, यहाँ पे जो 5 वाली रीडिंग है ना, वो मेन स्केल को क्या कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो रीडिंग है, ये वाली, ये 5 वाली जो रीडिंग है ना, ये मेन स्केल की जो 1, 2, 3, 4, 5 वाली रीडिंग है, ये इस मेन स्केल को क्या करिए, कोइंसिडेंट करिए। ये वर्नियर स्केल की 5 वाली रीडिंग इस मेन स्केल को कोइंसिडेंट करिए, इसका जो रीडिंग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपने देखा मुझे मेन स्केल जो रीडिंग थी वो कितनी आ रही थी, 4.35, ठीक है, और वर्नियर स्केल रीडिंग मेरी कितनी आई थी, तो मैंने आपको दिखाया था कि 5 आई थी। तो आपको क्या करना है, वर्नियर स्केल रीडिंग लिखने के पहले तो 5 × लिस्ट काउंट से ना आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपका लिस्ट काउंट कितना है, 0.001, यहाँ से मिला मुझे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.005। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 0.005, ठीक है। अब टोटल रीडिंग निकालना है, तो आपको टोटल कैसे निकालोगे, आपको ये दोनों को प्लस कर देना है, आपको ये दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.355, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने क्या किया था, मैंने 2-4 रीडिंग और ऑलरेडी निकाली हुई थी, तो मेरी जो दूसरी रीडिंग थी वो मुझे मिल रहा था 4.65, ठीक है, 4.20। सो अब जो मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग आया था, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे चेक किया था, जो कोइंसिडेंट हो रहा था वो 40 पे कोइंस, तो 40 × 0.01 करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.04। यहाँ पे मुझे मिल रहा था, तीसरे वाले के लिए मुझे 6 मिल रहा था, तो 6 × 0.001 तो आपको मिल जाएगा 0.006। अब आपको सबको ये दोनों को ऐड करना है, क्योंकि टोटल में क्या करना रहता है, टोटल में क्या करना रहता है, VSR और MSR को ऐड करना था। आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 4.669 मिल जाएगा, आपको 69 सॉरी यहाँ पे 4.69 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4.2206, ठीक है। अब आपको सेकंड में क्या करना है, आपको ग्लास लैब लेना है और उसको क्रॉस मार्क के ऊपर रखना है, मतलब अपने जो क्रॉस मार्क लगाया ना उसके ऊपर ग्लास लैब रखिए, और उसकी रीडिंग नोट डाउन करेंगे कि कितनी रीडिंग उसकी आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्लास लैब रखूँगा और इसकी रीडिंग नोट करूँगा। तो बेसिकली आप जैसे मैं यहाँ पे ग्लास लैब रखूँगा ना, तो ये मुझे ना नहीं दिखाई देगा, थोड़ा ब्लर दिखाई देगा, तो मुझे ना इसको नहीं टच करना है फ्रेंड्स, आपको याद रखना, आपको इसको नहीं टच करना है, आपको इसकी हेल्प से ना इसको ऊपर नीचे लेके जाना है। सो चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अब इसको एडजस्ट कर लिया है। अब हम लोग वही सेम देखेंगे फटाफट मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना रहेगा, ये यहाँ पे ना मुझे फाइन इमेज इस यहाँ पे आई पीस में दिखना शुरू हो गया, तो मुझे फटाक से रीडिंग नोट डाउन करनी। कैसे रीडिंग नोट डाउन करनी फ्रेंड्स, आपको देखना है कि जीरो कहाँ पे कोइंसिडेंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरा जो जीरो है वो बेसिकली 4.8
8.5 पे क्या हो रहा है, कोइंसिडेंट हो रहा है। तो मेरा जो मेन ये जीरो ना, जहाँ पे भी कोइंसिडेंट होगा मेन स्केल पे ना, वही तुम्हारी मेन स्केल की रीडिंग रहेगी। तो मेरा 4.85 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4.8। और वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स बताओ, जो वर्नियर स्केल जिस भी पॉइंट के मेन स्केल पे कोइंसिडेंट हो रही है वही वर्नियर स्केल की रीडिंग रहेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सा कोइंसिडेंट हो रहा है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये तो 10 होता है, लेकिन 10 के जस्ट नीचे ना आप अगर देखेंगे ना तो 8 वाली जो लाइन है ना, ये मेन स्केल को ना कोइंसिडेंट करती है, क्या करती है, मेन स्केल को कोइंसिडेंट करती है, जो 8 वाली लाइन है यहाँ पे। ये लाइन मतलब मेन वर्नियर स्केल, ये है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की जो 0 से देखोगे ना, 0, 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 8 वाली लाइन ना मेन स्केल को ना कोइंसिडेंट कर रही है। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 8। ठीक, MSR की रीडिंग आपको निकालनी है, तो आपको पता होगा जो MSR है वो कितना आया था मेरा, 4.85। ठीक है, VSR कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको आप मेरी जो रीडिंग मिली थी वो 8 मिली थी, तो 8 इंटू लीड्स काउंट से आप मल्टीप्लाई करोगे, लीड्स काउंट हमारा होता है 0.001, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 0.008। ठीक है, आप टोटल रीडिंग कैसे निकालोगे, आपको ये दोनों को ऐड कर देना है, तो 4 × 8.58। ठीक है, अब आपको मैंने दूसरी रीडिंग तीसरी रीडिंग निकाली तो मुझे यहाँ पे मिल रहा था 4.95। ठीक है, और लास्ट वाली जो रीडिंग मिली थी वो मिल रहा था 4.90। उसके बाद मुझे VSR की जो रीडिंग यहाँ पे मिली थी 0.009 मिली थी, यहाँ पे 0.010 मिला था। ठीक है, टोटल दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे, ये सब को ऐड करोगे तो 4.959 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4.910 हो जाएगा। अब हम लोग जेड वाला निकालेंगे, तो जेड वाले में मुझे ना थोड़ा सा किसी डस्ट सब्सटेंस उस ग्लास रॉड पे ग्लास स्लैब पे ऐड करना है और चेकआउट करना है। सो फ्रेंड्स, अभी ये मेरे पास हल्का सा डस्ट है। ठीक है, तो ये मैं डस्ट को इस यहाँ पे ऐड करूँगा। डस्ट जो आपको डालना रहेगा, आप देख रहे हैं मैंने क्रॉस मार्क पे बहुत ही थोड़ा सा डाला है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, तो क्रॉस मार्क पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, सो चलो मैं आई पीस पे देखता हूँ मुझे दिख रहा है क्या, और नहीं दिखेगा तो मैं एडजस्ट करूँगा। अभी मैंने जब डस्ट का यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो मुझे क्रॉस मार्क दिखना शुरू हो गया, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरी मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालनी है। तो आपको मैंने बताया कि मेन स्केल कैसे निकालना है, जो जीरो जिस मेन स्केल पे टच करेगा वही हमारी मेन स्केल रीडिंग रहेगी। तो आप ये जीरो देख रहे हैं, ये जीरो हमारा टच कर रहा है 6.05 पे, कहाँ पे टच कर रहा है, क्योंकि एक जो रीडिंग होती है वो 0.05 की होती है, तो हमारे आ जाएगा 6.05, ये हमारा कितना आ जाएगा 6.05 आ जाएगा, ये हमारी हो जाएगी मेन स्केल की रीडिंग। अब चलो फटाफट वर्नियर स्केल की रीडिंग देखते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करना है आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग, जो भी वर्नियर स्केल की रीडिंग मेन स्केल पे कोइंसाइड होगा वही आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। ठीक है, और एक बार और मैं आपको बता दूं कि एक जो होता है वो 10 का होता है, 20, 30, 40 और 50। वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे कैलकुलेट करनी है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो 9 वाला है ना हमारा, देखो ये तो 1 है, ये ऊपर वाला 1 है, उसके जस्ट नीचे एक 9 वाली रीडिंग होती है, वो 9 वाली ना इस मेन स्केल को ना कोइंसिडेंट करे, तो इसलिए हमारे वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। वाला जो मैंने किया वहाँ पे डस्ट डाल के, तो मुझे मिला था 6.05, और इसका जो मेन स्केल का रीडिंग कैसे मिला था, मुझे पता था कि मेरी 9 आई थी, और 9 को मुझे 0.001 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.001 क्या है आपका लिस्ट काउंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अगर मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे भी आपका सपोर्ट करना बनता है। आपका क्या है लिस्ट काउंट, तो आपको अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.009। टोटल कैसे निकालोगे, ये दोनों को ऐड कर दोगे तो 6.059। ठीक है, अब आपको मैंने बहुत दो और रीडिंग ली थी यहाँ पे, तो मुझे मिला था 6.20 और 6.30। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा ये VSR मिला था, यहाँ पे मिला था 0.006 मिला था, और यहाँ पे 0.005 मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.206 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6.305 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, अब आपको रियल डेप्थ निकालना है Z-X, ये आपका Z और ये आपको AX, तो मतलब टोटल में से, मतलब इस Z वाले में से इस X वाले को आपको क्या करना है, माइनस करना है। वैसे इसके लिए ये आपको तीन ही रीडिंग यहाँ पे आ जाएगी। ये मैं आपको देखना सिखा देता हूँ एक बार और, ये जीरो जहाँ पे मैच करता है, ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जीरो जहाँ पे मेन स्केल को मैच करेगा ना, देखो ये यहाँ पे मैच कर रहा है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 7 पे जो पहला जीरो जहाँ पे मैच कर रहा है ना, वो आपकी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगा 3.7। तो इस केस में ना आप जो मेन स्केल की रीडिंग है ना वो कितना लिखेंगे, 3.7। उसके बाद वर्नियर स्केल कैसे देखते हैं कि, तो
वर्नियर स्केल कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन सा कोइंसाइड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो ये फोर वाला है, ये फोर वाला है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है फोर वाला। फोर ये जो वर्नियर स्केल है ना, ये वर्नियर स्केल का एक जो फोर वाला रीडिंग है, देखो 1 2 3 4 फोर वाला जो रीडिंग है ना, वो यहाँ पे मेन स्केल पे ना कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए ये हमारी रीडिंग कितनी आ जाएगी, फोर। मतलब जो भी वर्नियर स्केल पे जो रीडिंग कोइंसाइड करेगी ना, वही रीडिंग आपको यहाँ पे लिखनी है, फोर। अब 0.004 कैसा आया, तो आपको फोर से लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना, लीस्ट काउंट आपका कितना होता है 0.001 सेंटीमीटर, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको रियल डेप्थ मतलब जेड माइनस एक्स फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, जेड माइनस एक्स। तो ये रहा आपका जेड, जेड का ये टोटल रीडिंग रहा और ये एक्स का टोटल रीडिंग रहा, मतलब आपको जिसे 6.059 में से 4.355 माइनस करना है। सो आप इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.724, ये वाले को इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.516, और ये वाले को इसमें से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.099। वैसे आपको अपेरेंट डेप्थ निकालना है, तो ये आपको कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपको लिखना है जेड माइनस वाई, क्या लिखना है आपको, जेड माइनस, ये आपका जेड और यह वाई, तो z के टोटल में से y के टोटल को माइनस करना है, z के टोटल में से y के टोटल को माइनस करना है, z के टोटल में से y के टोटल को माइनस करना है। सो आप ऐसा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.201, 1.100 और 1.149। अब आपको n निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, z माइनस एक्स डिवाइडेड बाई जेड माइनस वाई, मतलब इसको इससे डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करना है, r वाले को a वाले से, तो इसको 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 इसको, मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.435, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.378, ठीक है, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.086। अब आपको एन जी निकालना है, तो आपको तीनों को ऐड करना है, तो आप अगर तीनों को ऐड करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 2.899। अब इसी 2.899 को तीनों को ऐड करके ना आपको तीन से डिवाइड करना है, तो आप अगर इसको तीन से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.9663। मतलब आपको एन जी की वैल्यू यहाँ पे जो आपको एन जी दिख रहा है, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 0.9663, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा कि मैंने कैसे इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को यूज़ करके, या फिर क्रॉस मार्क को जो भी देखना था इस आई पीस के हिसाब से, वो मैंने देखा और आपको एक्सपेरिमेंट बताया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको डे टू डे इस चैनल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू।